हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। सो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने गार्डन्स की अपडेट। 4 से 5 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि लगातार दोस्तों जो है यहाँ पे बारिशें हो रही थी और बारिश के कारण जो है वीडियो टेरेस गार्डन में बनाना तो इम्पॉसिबल बात जैसे ही है। तो जैसे ही थोड़ा सा बारिश रुकी है तो मैं आपके साथ अपने प्लांट्स की अपडेट भी शेयर कर रहा हूँ और दिखाऊँगा कि मेरे प्लांट्स में क्या अच्छा हुआ, क्या ख़राब हुआ और आपको कैसे कैसे प्रिकॉशन लेना है इस टाइम पे अपने प्लांट्स पे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो देखिए, जो मैं पहले पॉजिटिविटी की बात करता हूँ स्टार्टिंग, अगर इस वीडियो से करेंगे तो हम अच्छा ही शेयर करेंगे आपके साथ। तो जो प्लांट्स की थोड़ा सा ग्रोथ स्लो चल रही थी या जिसमें इतनी अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग बर्ड नहीं आ रही थी या जो नॉर्मल भी ग्रो करने वाले प्लांट हैं जिसमें फ्लॉरिंग या फ्रूटिंग नहीं होती है, तो उसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे को देखने के लिए मिल रही है। और अगर मैं कंपेयर करूँगा पहले के टाइम से तो अभी मुझे ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये जो मैंने प्लांट लगाया हुआ था रोज़ का, ये उतनी अच्छी कंडीशन पर नहीं था, तो अभी इसकी कंडीशन मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से लग रही है क्योंकि ये क्लाइंबर रोज़ है। पहले इसकी जो थोड़ा सा डल लीव्स थी और अभी अच्छी ग्रोथ पे दिख रहा है मुझे। इसके साथ साथ जो मेरे फ्लावर्स लगे हुए थे तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फ्लावरिंग के ऊपर होता है, तो फ्लावरिंग के साथ साथ मेरी फूटिंग में इफ़ेक्ट किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे जो फ्लावर्स थे खासकर की रोज़ के या खासकर के जो विंटर गार्डन पे मैंने लगाए हुए हैं अपने, तो उनकी जो लाइफ है वो वाटर ने काफ़ी कम कर दी क्योंकि इनके ऊपर से वो बार बार गिरते रहने से, पानी बारिशों की जो है मार खाने से, इन्होंने अपने पेटल्स पूरे गिरा दिए हैं और जो इनकी लाइफ साइकिल रहती है वो बहुत ही कम हो गई है। और कुछ रोज़ेस में नई ग्रोथ तो आ रही है पर मुझे नहीं लगता है कि अभी अगर इस तरह बारिश चलती रहेंगी तो प्लांट्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी कंडीशन में चल पाएंगे क्योंकि विंटर्स हैं, उसमें साथ साथ क्या होता है इतना ठंड ज़्यादा पड़ती है, उसके साथ में क्या ऑलरेडी कुछ प्लांट्स का डॉर्मेंट पीरियड रहता है तो ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होती हैं और बारिशें कंटिन्यू गिरती रहती हैं तो फिर कहीं ना कहीं फंगस की भी प्रॉब्लम आती है। तो कुछ मेरे रोज़ प्लांट में फंगस की भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, ओवर वाटरिंग के भी जो है ये प्रॉब्लम दिख रही है कि इनके जो एजेस हैं वो थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे प्लांट्स में थोड़ा सा ओवर वाटरिंग हो रही है। जनरली जो मेरे प्लांट्स प्लास्टिक पॉट पे लगे हैं उनका जो है थोड़ा सा हाल ख़राब ही लग रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पुअर ड्रेनेज की प्रॉब्लम हमेशा से ही रहती है। इसलिए मैं अब आपको बताता हूँ, अगर आप लगा रहे हो तो सारे सीमेंट पे आप अपने लगाइए या फिर आप जो है टेराकोटा को यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें लगाइए, या तो फिर मैंने इस समय अभी ग्रो बैग पे भी लगाना स्टार्ट किया है, फिर मैं आपके साथ उसकी भी शेयर करूँगा। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे इस रोज़ प्लांट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ये इसकी जो लीव्स हैं काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई हैं और यहाँ पर तो देखिए जो नई फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो तो निकल के आ ही रही हैं, आप यहाँ देख सकते होंगे, पर जो पुराने फ्लावर्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम पे दिख रहे हैं मुझे, गिर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इस वाले जो प्लांट्स में इतने अच्छे फ्लावरिंग थी वो सारी गिर चुकी है, जो बर्ड्स भी आ रहे थे वो भी गल गए हैं। और साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये रोज़ की जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, पहले अच्छी ग्रोथ पर नहीं था, आप यहाँ देख सकते हैं इसका ओल्ड सेक्शन, तो यहाँ पे अभी इसकी ग्रोथ निकल के आ रही है। तो वही मिला जुला कॉम्बिनेशन है, कुछ अच्छी चीज़ भी हुई है कुछ ख़राब भी। अब यहाँ पे गोल्डन साइप्रस को आप देखिए तो यहाँ पे ग्रोथ तो देखने के लिए मिल रही है पर थोड़ा सा इसकी जो है एजेस ब्राउन होना स्टार्ट हो गई लीफ की, यानी कि सीधा सा साइन है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है। अगर ओवर वाटरिंग ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी तो प्लांट में फिर रूट रॉट की प्रॉब्लम आना जो है लाजमी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, मैं आपको और भी ये दिखा रहा हूँ अपने, जैसे मेरे ये लेमन का प्लांट है तो फ्रूट प्लांट पे मेरे काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इसमें फ्रूटिंग हो रही है। देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हर आपको एक पोर्शन में, हर सेक्शन में, हर ब्रांच पे आपको जो है फ्लावरिंग बर्ड्स या जो है फ्रूटिंग्स दिखने के लिए मिल रही होगी। तो इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे जो अनमैच्योर से इसमें बर्ड थे वो भी जो है इस बारिशों के कारण, इसमें मार खाने के कारण गिर गए हैं। तो मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट किए तो मुझे बुरा भी बहुत लगा, पर क्या कर सकते हैं, ये तो पार्ट है, तो नेचर से तो अपन कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं कि भाई उनसे जाके लड़ लें। अगर कोई ऐसा किया होता हमारे गार्डन पे तो हम उनसे बोल भी सकते थे कि यार मेरे गार्डन पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि जनरली जो मेहनत करता है गार्डन पे तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दुख लगता है, बुरा लगता है। तो जो कोई प्लांटिंग करता है या गार्डनिंग करता है वो मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहा होगा। अगर आपके साथ भी हुआ तो आप भी मुझे शेयर कीजिएगा, शायद मैं कुछ आपको संभावना दे सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि एक गार्डनर ही गार्डनर की जो प्रॉब्लम समझेगा।
देखिए यहाँ पर जो मेरा ये मैंगो का ग्राफ्टेड प्लांट है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है जो आप देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इसमें जो नई ग्रोथ आ रही थी तो देखिए इसमें भी अभी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम मुझे दिखने लग गई है, यानी ये अब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, तो अभी मुझे इसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। और भी मेरे जो प्लांट्स हैं यहाँ पर, देखिए ये जो मेरे ये प्लांट्स लगा हुआ है पीछे, ये वंडरिंग जो, इसमें भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, क्योंकि एक जगह पे ना कलेक्ट हो जाता है वाटर, उस कारण से काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ पे कॉक्सकॉम के भी जो लीव्स हैं ये ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गए, फ्लावर में भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इसके पूरे फ्लावर जो है नीचे की डाउन हो गए, जो एकदम स्टैंड रहते थे। और जो पत्तियां हैं जैसे डेवल बैकबोन का, तो खैर पेडिलेंथस का डोरमेंट पीरियड ही चल रहा है, बट इसमें जो अभी लीव्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बरकरार थी, क्योंकि इसको मैंने ऐसे ग्रुप के बीच में लगाया हुआ था, तो डायरेक्ट इसमें जो है ठंडी हवाएं नहीं पड़ती थी, उस कारण से इसकी लीव जो है एक्सपेरिमेंट किया था तो सक्सेसफुल भी रहा था। 80% अगर वाटरिंग नहीं होती तो जो है लीव्स काफ़ी हद तक मैं इसकी बचा पाता। और यहाँ पास भी देख सकते हैं आप, आपको विजिबल रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा होगा कि नई जो ग्रोथ आ रही थी वो भी आप पानी कारण जो है ख़राब होने लगी है। ये मेरा लौकी का प्लांट था और इसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही थी, बट जो है ये सिर्फ वाटरिंग के कारण, ओवर वाटरिंग के कारण ये ख़राब हो चुका है, बट नीचे से ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो है इसमें अब यहाँ पे फल लगना स्टार्ट हुए हैं, तो अभी मैं नीचे इसमें क्या किया था, मैंने जब बारिश स्टार्ट हो रही थी उसी टाइम पे थोड़ा सा इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया था, उस कारण से काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी ग्रेव वाइन, तो ये तो ऑलरेडी डोरमेंट पे रहती ही है, बट इसकी लीव्स काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, पर अब बहुत ही ब्राउन हो गई, कंडीशन कुछ खास नहीं लग रही है, तो जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और आज ही मैं आपके साथ दिखाऊँगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि फिर से बारिश से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने एलोमोंडोर जो मेरे प्लांट्स हैं, इसकी भी जो लीव्स देखिए आप, कितने ओवर वाटरिंग के कारण पूरी ब्राउन हो गई है। देखिए मैं दिखा रहा था तो बाहर भी निकल के आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। वैसे भी ऑल टाइम मैं जब आपको बताता हूँ तो ओवर वाटरिंग के लिए मना करता हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखिए। आप देख रहे होंगे सारी, ऑलमोस्ट सारी लीव्स में ही आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तभी इसमें फंगस ग्रो करने लगी है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मेरा जो ये ऑरेंज ट्रिकोमा है, इसमें भी थोड़ा सा लीव बर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि ये ओवर वाटरिंग का शिकार हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारी निगेटिव चीज़ें ही हुई हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने के लिए मिली हैं, जो मैंने कटिंग्स वगैरह अभी ट्राई किया था लगाना, तो उसमें जो है मुझे थोड़ा सा रिज़ल्ट लग रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव कि हाँ हो सकता है कि कटिंग ग्रो हो जाएंगी। अभी रिसेंट पे मैंने आपको एक अपडेट वीडियो पे दिखाया था, मेरा ये जो येलो टिकोमा का प्लांट है, इसमें जो पूरी इसकी लीव्स है वो गिर चुकी थी, पूरी ड्रॉप कर दिया था, बट अभी जो है इसमें फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। वैसे ग्रोथ तो पहले ही निकल आई थी बारिश से स्टार्ट होने के पहले ही, बट अभी जो है ये नेचुरल वाटर जो होता है ना, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है और फॉस्फोरस भी मिल जाता है, तो इस कारण से क्या होता है कि ये ग्रो करता है, और प्लस क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा ना एसिडिक होता है ये वाटर, तो एसिडिक वाटर होने के साथ साथ जो फ्लोरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, आप तो मालूम ही होगा कि थोड़ा सा एसिडिक होते हैं, एसिडिक लवर होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये, काफ़ी अच्छी तरीके से ये रेन वाटर उनके ऊपर काम करता है। आप जनरली अपने अगर स्प्रिंकलर से उसमें वाटरिंग करते हैं, मिस्टिंग करते हैं, तो प्लांट्स कई बार अगर पानी रुका रह जाता है लीव्स में तो वो वहाँ से ख़राब होने लगती है, बट रेन वाटर में क्या होता है कि वो नेचुरल रहता है, तो प्लांट भी उसको नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ बस देखिए मेरे ये जो गुलदाउदी के फ्लॉरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से पैकेट्स में, पॉली बैग्स में, अब ये भी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट स्पेंट हो चुके हैं, मतलब इनकी अब लाइफ साइकिल कम्प्लीट है। अभी तो ये फ्लॉरिंग करते हैं, अगर इसमें बारिशें नहीं पड़ती तो अभी इसकी जो है फ्लॉरिंग काफ़ी अच्छी तरीके से होती, पर अभी पूरे ब्राउन पड़ चुके हैं, यानी कि इसके अंदर जो है पूरा पानी भरा हुआ, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको स्क्वीज़ करके दिखाऊंगा तो देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। तो अब इसका कोई मतलब भी नहीं है फ्लोरिंग करने, अभी मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो मेरी फ्लोरिंग हो रही थी गार्डन पे वो भी गिर चुकी है, और नई ग्रोथ तो हल्की फुल्की मुझे देखने के लिए मिली है, जो प्लांट्स मेरे अच्छी ग्रोथ पे थे और विंटर के कारण थोड़ा सा लीव ड्रॉपिंग की आई थी प्रॉब्लम, तो वो मुझे अभी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा ये जो मोसेंडा का प्लांट है, ये भी खैर डोरमेंट के पीरियड पे है, पर इसमें छोटी छोटी सी आपको इधर पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रही होगी, यानी कि अभी ये आपके यहाँ भी लगा हुआ तो आप घबराए नहीं, सर्वाइवल कर जाएगा। जैसे ही अभी मार्च स्टार्टिंग होगी ना, फरवरी मिड से ही जब थोड़ा सा चेंज होगा एटमॉस्फेयर, इसमें जो है फ्लोरिंग और इसमें जो नई ग्रोथ है बेसिकली वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखिए मेरा ये भी प्लांट जो हैंगिंग में लगा हुआ था,
ये थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम में है। जैसे ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का है, तो ये कैक्टस फैमिली का ही प्लांट है, तो थोड़ा सा इन सब की ज़्यादा मुझे केयर करनी पड़ जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे गार्डन पेस बीच। और सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि कुछ मेरे प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं, कुछ टूटे भी हैं हवाएँ चलने के कारण। मेरे पॉटर्स कई सारे मुझे जो है अब रिपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो इससे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर प्लांट में ऐसी चीज़ें हैं तो इससे जल्दी से जल्द कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वो बैक में मेरे अडेनियम वगैरह भी लगे हुए हैं, तो इस सारे प्लांट्स में ना जल्दी से रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है। तो इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको फंजीसाइड लेना है। अगर मार्केट में आपके आसपास मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। नहीं है तो आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। इसको आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो आपके घर पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आपके सामने ये 1 लीटर की जो है ये स्प्रेयर बॉटल दिख रही, गार्डन वाटर दिख रही है। इसमें जो मैं इसमें फंजीसाइड का थोड़ा सा यूज़ करूँगा। तो देखिए, ये फंजीसाइड होता है। इसके पहले मैंने आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर की है। इजीली मिल जाता है आपके आसपास जो भी बीज की दुकान होती है, जहाँ से आप लेते हैं गार्डनिंग प्रोडक्ट वगैरह, वहाँ से ले सकते हैं। फर्टिलाइज़र वालों के पास ईज़िली अवेलेबल रहता है। तो देखिए, ये क्या करता है, जो भी फंगस लग रही होती है ना, जो फंगस में कीड़े लगते हैं जिस जड़ को खाते हैं, ये उनको ही खाना स्टार्ट कर देता है। पूरे नर्वस सिस्टम को उनके ख़त्म कर देता है। उस कारण से क्या होता है कि प्लांट रूट रॉट की प्रॉब्लम में नहीं जाता है। और जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी प्लांट्स में ओवर वाटरिंग से रिलेटेड, या जो भी इफेक्ट हो रहा होगा, उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, आपके प्लांट्स को अच्छा सुरक्षित रखेगा। तो ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने साफ का यूज़ किया, बेवेस्टीन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड रहता है, सिस्टेमिक भी रहता है इसमें दोनों, तो ये अच्छी बात है। तो इसमें मैं फुल एक जो है टेबल स्पून में पकाऊँगा, वो पूरा फुल भर के मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया और इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। और इसको बस नॉर्मली अपन शेक करेंगे और प्लांट में अपन ने दे देंगे। थोड़ा सा क्या है कि इसमें स्प्रेयर गार्डन वाटर से देने में क्या होता है कि आप अपने लीव्स में भी इसको थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, साथ में आप अपने रूट्स में भी दे देंगे तो नीचे तक चला जाएगा। आप चाहो तो जैसे मैं आपको रिपोर्टिंग बताता हूँ उस टाइम भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप अपने डायरेक्ट थोड़ा सा गुड़ाई करके आप डाल सकते हैं अपने सारे प्लांट्स में ऊपर। तो आपको अगर ऐसे नहीं देना है तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। ये देखिए, जो भी इफेक्टेड आपको प्लांट दिख रहा है उसमें आप ऐसे इसको ऊपर से स्प्रे कर दीजिएगा, थोड़ा सा ब्लूइश कलर दिखेगा। तो ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पर्याप्त पड़ चुका है। जो जो भी आपको इफेक्टेड दिख रहे हैं या नहीं भी हैं, आप उसमें प्रिकॉशन के तौर पे कर सकते हैं। पानी तो गिरेगा ही गिरेगा मुझे लग रहा है, फिर भी अगर आप अपने प्लांट्स में इसको ट्रीटमेंट कर लेंगे तो बहुत ही हद तक चांसेस है कि आपके प्लांट जो है अच्छी तरीके से ग्रो करते रहेंगे। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बारिशों के बाद मेरे प्लांट्स में क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ें जो हैं ख़राब हुई हैं, और मैंने ट्रीटमेंट भी बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।